हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रोस्टी के टेस्टी किचन में। आज मैं बनाऊंगी पिज्जा जिसमें कि मैंने ओवन भी नहीं यूज किया है, ना ही चीज यूज किया है, ना ही ईस्ट यूज किया है इसके डो को बनाने के लिए। फिर भी हमारा पिज्जा बहुत अच्छा बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आप घर में रखे हुए सामान से इस पिज्जा को बना सकते हैं कढ़ाई में, और कढ़ाई में आप इसे 20 to 25 मिनट जरूर पकाएं। उससे ज्यादा भी आपको अगर ज्यादा क्रिस्पी चाहिए तो उससे ज्यादा भी आप पका सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पिज्जा रेसिपी। पिज्जा बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे, ये देखिए मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, बेकिंग सोडा लिया है, दही और विनेगर और नमक, बस इतनी ही चीज़ हमें चाहिए। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैदा। और अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप बेकिंग सोडा की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मैदा लेते हैं और आटे को गूंदने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इस स्पून से मैंने मैदा लिया है, इस चम्मच से मैंने 3 चम्मच लिया है। आप किसी भी बाउल से, ग्लास से मेजर करके ले सकते हैं मैदा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डो बनाना। तो डो के लिए मैंने ये देखिए मैदे के बीच में ये कुआं सा बना दिया है। अब इसमें हम लोग सारे सामान डालेंगे, जो जो हमें इंपॉर्टेंट सामान है हमारा वो डालना है हमें। तो सबसे पहले मैं डालूंगी दही, ये जो मैंने दही ली थी ना वो डालूंगी मैं। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें थोड़ा नमक, ये मैं नमक डाल चुकी हूँ। अब मैं डालूंगी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर जो होता है ना, उसे कुछ खाने के लिए चाहिए। अगर आपकी दही खट्टी नहीं है, अगर बहुत ज्यादा खट्टी है तब तो ये रिएक्ट करके काम अच्छा करेगा, आपका डो को बहुत अच्छे से फुलाएगा। अगर आपकी दही खट्टी नहीं है तो आपके डो को ये बेकार कर देगा, वो आपका पिज्जा नहीं फूलेगा। इसलिए आप इसे क्या करें, ये सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये डालूंगी बेकिंग सोडा और ये बेकिंग पाउडर, और इसके ऊपर मैं डालूंगी ये मैंने लिया है विनेगर। आपके पास विनेगर ना हो तो आप लेमन जूस थोड़ा यूज कर सकते हैं और इसके ऊपर डालें। और ये देखिए इस तरह से रिएक्ट होगा, ये रिएक्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल, ऑयल मैं 2 चम्मच डालूंगी। ये देखिए मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है। अब इसे हम लोग, आप चाहें तो दूध में भी इसे मिक्स कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप इसे गर्म पानी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको देखिए नॉर्मल पानी में डो बनाऊंगी। और ये इतने कम चीज़ों से मैं डो बना करके आपको देखिएगा पिज्ज़ा कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा आपको मार्केट जैसा फील आएगा इस पिज्ज़ा बना करके खाने में। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें घर पर। ये देखिए अब मैं इसमें धीरे धीरे पानी डालूंगी और एक नरम डो तैयार करूंगी। मतलब ना हमें ज्यादा सख्त आटा गूंदना है, ना बहुत ही ज्यादा नरम, नहीं गूंदना है लेकिन नरम गूंदना है हमें, थोड़ा गीला गीला सा, उस टाइप का हमें डो बनाना है। धीरे धीरे पानी डालें और डो बनाएं। ये देखिए इस तरह का हमें डो रेडी करना है, बिल्कुल गीला गीला करना है, बहुत ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए लेकिन ये गीला करना है आपको, इस तरह का गीला करना है। ये अब हमारे हाथ में चिपक रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा ऑयल लूंगी और इस पे डालूंगी और इसे अच्छे से फिर से मिक्स करके अच्छे से ये गूंदूंगी मैं, ये मिक्स करूंगी मैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और अगर आपको ये पिज्जा रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना भी ना भूलें। फिर देखिए ये इस तरह से हमारा डो बन गया है, और मैं इसमें थोड़ा सा और ऑयल लेके इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी इस तरह से, और इसे ढक के 20 to 30 मिनट्स यानी 20 to 30 मिनट तक इसे ढक के हमें रख देना है। इस तरह से मैंने ऑयल लगा दिया है और इसे ढक के मैं रख दूंगी। जब तक हमारा पिज्जा का डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम लोग पिज्जा सॉस बना लेते हैं। वो हमें मार्केट से लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास घर पे टमाटो केचप पड़ा हो तो आप वो टमाटो केचप एक बाउल में निकाल लें, इस तरह से निकाल लें, और इसमें मिक्स करें केवल एक ही चीज, और वो है चिली फॉल्क। चिली फॉल्क आपके पास मार्केट वाला अवेलेबल नहीं है तो घर में बना सकते हैं। ये देखिए ये मैंने घर में बनाया है। बस आपको इसमें क्या करना है, ग्राइंडर में चिली को डाल करके और ग्राइंड कर लेना है, बस बारीक नहीं पीसना, इस तरह से मोटे मोटे पीस लेने हैं आपको। तो ये थोड़ा मैं चिली फॉल्क इसमें ऐड करूंगी, ये ऐड कर दी और इसे मैं मिक्स कर लूंगी अच्छे से। ये हमें डो पे अप्लाई करने के लिए चाहिए। ये हमारा सॉस रेडी है। इसमें चाहे तो आप थोड़ा सा सॉल्ट, बिल्कुल थोड़ा सॉल्ट, क्योंकि आटे में भी मैंने नमक डाला है, इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी मैं, और थोड़ा सा चीनी तो डालने की जरूरत ही नहीं है, ये मीठी ऑलरेडी है। तो ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा मैं नमक ऐड की हूँ और इसे मिक्स कर दूंगी। ये हमारा पिज्जा सॉस रेडी है ना, बहुत ईजी पिज्जा सॉस बनाने में। आप इसे जरूर घर में बनाएं, और चिली फॉल्क भी बनाना बहुत ईजी है, आप घर में ग्राइंड कर लें केवल मिक्सर में मिर्च को, बस आपका चिली फॉल्क बन जाएगा। अब हम लोग पिज्जा के लिए हमें जो सामान चाहिए वो हम लोग रेडी करते हैं। ये अब मैं डेकोरेट करने के लिए पिज्जा को, मतलब पिज्जा मैं बना रही हूँ ओनियन और कैप्सिकम और पनीर से। तो मैं पहले ये ग्रीन कैप्सिकम यानी ग्रीन शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और ओनियन को सारे परतों को अलग करके आपको इस तरह से बड़े बड़े क्यूब्स काट लेने हैं, और शिमला मिर्च आपको लंबे आकार में काटना है। और ये आपके पास रेड येलो शिमला मिर्च है नहीं है तो कोई बात नहीं, आप केवल हरी शिमला मिर्च से भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके अलावा हमें चाहिए ये पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स आपको बना लेने हैं, और
ये मैंने लिया है, ये आप बता नहीं पाएंगे कि ये क्या है, ये एक्चुअली चीज नहीं है क्योंकि मैं ये चीज चीज वाली पिज्जा नहीं बना रही हूँ, तो मैं चीज यूज नहीं करूंगी। और ये देखिए, ये मैंने ग्रेट किया है पनीर को, जो कि आपको पिज्जा में महसूस नहीं होने देगा कि आप चीज नहीं डाले हैं, देखने से आपको पता बिल्कुल नहीं चलेगा कि चीज नहीं डाले। उसके अलावा मैंने थोड़ी सी चीज ली है, मैं दो पिज्जा बना के दिखाऊंगी आपको, एक चीज वाली एक बिना चीज वाली, आप फर्क नहीं कर पाएंगे। और उसके अलावा ओरिगैनो, ओरिगैनो आपका ये आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ये डालने की जरूरत नहीं है, और अगर है तो आप डालेंगे तो टेस्ट थोड़ा आएगा, नहीं डालेंगे तो भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और चिली फॉल्क, अब चलिए हम लोग पिज्जा डो देखते हैं, हमारा हाफ एन आवर हो चुका है, अब हम लोग पिज्जा डो को चेक करते हैं। ये देखिए, ये हमारा पिज्जा डो काफी फैल चुका है, देखिए इस तरह से फर्मेंटेशन हो चुका है हमारा, कितना हल्का हो गया ये डो, आप रेडी करेंगे ना ये विदाउट ईस्ट, इतना डो हल्का हुआ है हमारा, आप जरूर इसे ट्राई करें घर पे। और इसे अब हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये बाउल में मिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था इसलिए मैं इसे इसमें डालूंगी, यहाँ फर्श पे, ये जो जमीन है हमारा किचन का स्लैब, स्लैब पे मैं डाली हूँ, डाल के हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, इस तरह से तोड़ तोड़ के हमें अच्छे से इसे मिलाना है। अगर आपके हाथ में चिपक रहा हो तो आप थोड़ा ऑयल लगा सकते हैं इसमें, बहुत अच्छे से इसे गूंदना है, अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा मैं अप्लाई कर रही हूँ केवल ऑयल मिक्स करने के लिए, इस तरह से मिक्स करने के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ, ये देखिए इसे मिक्स करना है आपको। ये देखिए, ये हमारा डो रेडी हो चुका है, अब मैं इसे दो भाग में कटिंग कर दूंगी और दो डो बना लूंगी मैं, अब क्योंकि मैं एक बनाऊंगी मैं ओवन में और दूसरा बनाऊंगी मैं तवे पे, या आप कढ़ाई में किसी में भी आप बना सकते हैं, तो मैं कढ़ाई में एक बनाऊंगी और एक ओवन में बनाऊंगी। अब हम लोग रेडी करते हैं ये डेकोरेट करने के लिए। अब मैं एक प्लेट लूंगी जिसमें मुझे बनाना है, वो प्लेट लेना है हमें, और ये सिल्वर पेपर आपके पास हो तो आप ले लें, ये हमें देखिए जिस साइड चमक नहीं रहा है, थोड़ा कम चमक है उस साइड से हमें नहीं लेना, जिस साइड ज्यादा चमक है उस साइड से हमें लेना है और इसे रैप कर लेना है, ये इस तरह से हमें चारों तरफ से इसे रैप करके हमें रेडी करना है। ये मैंने रेडी कर लिया, अब हमें क्या करना है, ये जो मैंने डो रखा है ये मैं लूंगी, इसे गोल गोल करूंगी और इसके ऊपर ये लेके बेलन से थोड़ा फैलाऊंगी, इस तरह से मैं इसे फैलाऊंगी, फिर इसे मैं हाथों से, ये थोड़ा हमें सूखा आटा भी लेना है बीच बीच में, फिर हाथों से इस तरह से हमें फैलाना है। ये देखिए, और फिर इसे यहां रखना है, यहां रख के हमें फिर फैलाना है, इस तरह से अच्छे से हमें फैला लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमें रेडी कर लेना है, कॉर्नर थोड़ा हमें मोटा सा रखना है और ये साइड है ना, ये उंगली से हमें दबा देना है। पहले मैं सोच रही थी मैं तीन पिज्जा बनाऊंगी लेकिन वो काफी छोटा छोटा बनता, इसलिए मैं फिर दो ही पिज्जा बना रही हूँ। ये देखिए, ये मैं ओवन में डालूंगी और ये मैं जो मैं कढ़ाई में डालूंगी, उसके लिए मैंने ये एल्युमिनियम फॉइल जो है ना ये मैंने लपेटा है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो बीच में है ना, इस तरह से फोक से हमें निशान लगा देना है, थोड़ा थोड़ा गड्ढा बना देना है, अदरवाइज आप ये गड्ढा नहीं बनाएंगे ना तो ये सारा फूल जाएगा, जैसे रोटी हमारी फूलती है ना उस तरह से फूल जाएगा, तो ये हमें बनाना जरूरी है बहुत। ये मैंने दोनों में इस तरह से बना दिया है, अब हमें इसमें लगाना है सॉस, ये जो मैंने पिज्जा सॉस बना के रखा है ना ये मैं इस पे लगाऊंगी, ये जो कॉर्नर है ना ये साइड्स है ना, चारों साइड को थोड़ा थोड़ा छोड़ के हमें पूरा पिज्जा में ये सॉस अप्लाई करना है। ये देखिए, साइड को छोड़ के मैंने पूरे में अप्लाई कर दिया है सॉस, अब हम लोग इसे डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट में सबसे पहले हम लोग लगाएंगे इसमें शिमला मिर्च, इस तरह से हमें शिमला मिर्च लगाना है। डेकोरेशन तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आपको लंबे रखना है चौड़े रखना है जैसे भी आपको रखना है उस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हो। ये देखिए, मैंने शिमला मिर्च प्याज से इसे डेकोरेट कर लिया है, और आपके पास कॉर्न है ऑलिव है तो आप वो सब भी डाल सकते हैं, ये मैं पनीर भी इसमें क्यूब्स डाल रही हूँ, इस तरह से आप कहीं भी डाल सकते हैं, डेकोरेट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको जितना पनीर चाहिए आप डाल सकते हैं, भर भर के डाल सकते हैं, कम डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ये देखिए, इस तरह से मैं इसमें डेकोरेट कर, ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें, ये बहुत अच्छा बनता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। ये देखिए, मैंने पनीर कर दिया, अब मैं इसमें देखिए पनीर से गार्निश करूंगी, जो आपको ये फील नहीं होगा कि आप है ना चीज नहीं डाल रहे हो, तो ये आप इस तरह से आप डाल दो इसे। एक्चुअली चीज का काम क्या होता है, चीज का काम होता है कि ये सारी चीज को बाइंड करके रखना अच्छे से, बस आप पनीर डालोगे तो ज्यादा बाइंडिंग नहीं बन पाएगी लेकिन टेस्ट वैसा ही बहुत अच्छा आएगा,
बहुत खिल के आएगा। अब मैं ये तो मैं कढ़ाई में बनाऊंगी, तो इसमें मैंने केवल ये घिसा हुआ पनीर डाला है, और ये मैं आपको ओवन में बनाऊंगी के दिखाऊंगी। ओवन में ये देखिए मैं थोड़ा सा पनीर डाली हूँ और थोड़ा मैं चीज भी डाल रही हूँ इसमें। ये मैंने चीज भी डाल दिया इसमें थोड़ा। अब मैं ये एक कढ़ाई में डालूंगी और एक मैं ओवन में डालूंगी। और हाँ एक चीज और, अगर आप साइड से ज्यादा क्रिस्पी आप नहीं चाहते हैं तो इस साइड पे आप ऑयल या दूध लगा सकते हैं, लेकिन मुझे तो थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस पे साइड पे ऑयल या दूध नहीं लगा रही हूँ। तो चलिए अब मैं कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए रख दी हूँ। चलिए देखते हैं प्री हीट हुआ या नहीं हुआ। ये हमारी कढ़ाई प्री हीट हो चुकी है। अब मैं इसमें एक बाउल रखूंगी छोटा सा, और ये संभल के पिज्जा रख देना है आपको, और इसे कवर कर देना है अच्छे से, और मीडियम फ्लेम पे इसे हम लोग बीच बीच में चेक करते रहेंगे किस तरह से ये हो रहा है। मैं ग्लास का इसलिए डाली हूँ ताकि मैं बीच बीच में आराम से बिना खोले हुए मैं इसे चेक कर सकूँ। ये देखिए ये 10 मिनट में मैंने चेक किया था, ये थोड़ा रेड ज़्यादा नहीं हो पाया था, इसलिए मैं ये मुझे तो थोड़ा क्रिस्पी चाहिए, इसलिए ये देखिए 15 मिनट में रखी हूँ इसमें मीडियम फ्लेम पे, और ये हमारा पिज़्ज़ा हो चुका है। अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और पिज़्ज़ा को बाहर निकाल लूंगी। ये देखिए ये हमारा ओवन वाला पिज़्ज़ा है, इस तरह से क्रिस्पी हुआ है, और अब मैं कढ़ाई से पिज़्ज़ा निकाल के लाती हूँ। ये देखिए हमने कढ़ाई से निकाल लिया पिज़्ज़ा को, ये इस तरह का आया है टेक्सचर, आप देख सकते हैं ये ओवन में बना हुआ है ये कढ़ाई में बना हुआ है, आपको कुछ भी फर्क नजर नहीं आएगा। बस यही फर्क है कि मैंने ओवन में इसे ज्यादा क्रिस्पी बनाया है, और ये जो हमारा कढ़ाई में बना है वो थोड़ा सा साइड कम क्रिस्पी है, और इसे मैं और ज्यादा रखती 20 मिनट रखती तो ये भी इस तरह का क्रिस्पी आ जाता। और ये देखिए मैंने पनीर डाला था और इसमें मैंने चीज डाला था, आपको इस दोनों में से किसी में आप कुछ फर्क नहीं कर पाएंगे कि किसमें पनीर है किसमें चीज है। तो आपके पास चीज ना हो तो आप पनीर से भी गार्निश करके पिज्जा बना सकते हैं। अब आता है पिज्जा कटिंग करने की बारी, आपके पास पिज्जा कटर ना हो तो आप किस तरह से पिज्जा कटिंग करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास पिज्जा कटर ना हो तो आप सीजर से कटिंग कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आराम से, काफी गर्म है अभी, मैं गर्म गर्म में ही कटिंग कर रही हूँ, इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए ये मैंने पिज्जा कटिंग कर दिया है। अब मैं इस पे डालूंगी थोड़ा चिली फॉल्क आप घर में बना सकते हैं, आपको मैंने जैसा बताया था आपको उस तरह से, और ऑरिगेनो आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, केवल चिली फॉल्क से भी आपका टेस्ट वैसा ही लाजवाब आएगा। इस तरह से आप डाल दें और फिर इंजॉय करें ये पिज़्ज़ा। देखिए कितना सॉफ्ट बना है पिज़्ज़ा ये, और बहुत देखने में भी बहुत ही सुंदर और लाजवाब है। और 15 से 20 मिनट आप रखें, बहुत क्रिस्पी बनेगा। ये थोड़ा कम क्रिस्पी बना है, आप 20 मिनट रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, और इंजॉय करें पिज़्ज़ा।